कोई फायदा न हुआ, सुबह सुबह वीडियो बना के उल्टा पुल्टा हो गया। पिस्तो पिस्ता बनवा जगह पास्ता बनवा जगह। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मौसी आई है पास्ता खाने के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी देखिए आज सुबह सुबह सारा काम किया और दिखाए, सुबह सुबह बहुत ज्यादा गुस्सा उठा दिए थे दोस्तों। तो हम कुछ भी नहीं बोले इनके वीडियो में और हम भी नहीं बना पाए। तो अभी सब आदमी शांति हो गए हैं और दोस्तों आ गए हैं, अभी आ जाते हैं। अभी जो नाश्ता बनाएंगे बच्चे सबके लिए, और बच्चे सब गए थे अभी ट्यूशन। सुबह में 7 बजे ट्यूशन जाते हैं, इनके पास 8:30 बजे वहाँ से आते हैं, और फिर जो है 9 बजे जाते हैं कॉन्वेंट, और वहाँ पे जो फिर वहाँ से 3:30 बजे ऐसे छुट्टी होता है तब आते हैं। तो सबको जो मर्जी होता है, सुबह में बोल देते हैं कि मामी जी आज ये खाएंगे वो खाएंगे, तो उनके लिए रेडी हो जाता है। और कल ही बोले थे कि मामी जी पास्ता खाएंगे, तो पास्ता नहीं था लाया हुआ, तो कल गए थे। आप लोग देखिएगा वीडियो में आरती छुट्टू लग पे, आज जो है ना देख लीजिएगा कि रानीगंज रात में गए थे, मेला अभी देखने गए थे। तो दोनों काम उधर से हो गया, पास्ता भी ले लिया और सामान वगैरह सब गाय का सेट गया था, शक्कर वगैरह सब जो होता है जितना चीज देते हैं माल वगैरह को, घट्ठा वगैरह सब सब चीज़ लिए। और नहीं दिखा पाए आप लोग को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुके थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे नहीं हुए थे, 7 बजे थे तब पर भी अंधेरापन बहुत था, तो इसीलिए नहीं दिखाया आप लोग को। तो अभी चलिए वहाँ से तो ला लिए थे और नहीं बनाए सुबह में, अभी आई है वो सब और बोल रहे हैं कि चलिए मामी जी बना दीजिए पास्ता। तो अभी चलिए हम बना रहे हैं पास्ता और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह बनाते हैं। और उससे तो हम कभी नहीं बनाए हैं, आज फर्स्ट बार पास्ता बना रहे हैं। और वो सब जैसे जैसे बोले कि जितना मसाला वगैरह सब देने के लिए उतना ही देंगे। तो अभी चलिए बने रहिए, अभी आप लोग दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बना रही हो आरती जी? आज बच्चे सबके लिए पास्ता बन रहा है। हाँ कल से बोल देते कि हमको पास्ता चाहिए, पास्ता चाहिए। अरे वाह तो अब तो अच्छा है, मान रही हो बच्चा सबको? तो बच्चा को नहीं मानेंगे तो किनको मानेंगे? हाँ बच्चा मेरा है, किसी का थोड़ी है। हाँ कोई फायदा न हुआ, सुबह सुबह वीडियो बना के उल्टा पुल्टा हो गया। पिस्तो पिस्ता बनवा जगह पास्ता बनवा जगह। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मौसी आई है पास्ता खाने के लिए। तो दोस्तों अभी जो है ना पास्ता देख लिया आप लोग बनाए, और जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी बच गया है, और बच्चे सबको अभी दे दिए टिफिन में, खाना भी खा लिए, जो पास्ता था और मुढ़ी वगैरह सब थे नाश्ता में खा लिए हैं, और टिफिन में भी ले लिए हैं। और अभी और दोस्तों अभी तो यहाँ पे बैठे थे जस्ट, और वीडियो बनाए लेकिन वीडियो नहीं इसमें हुआ, से फल बता दिया। तो अभी क्या बताएंगे दोस्तों, ये जो है ना जिनका नाम शिवा है और आप लोग पहचानते होंगे, ओ अभी जगे हैं। अभी टाइम देखिए 8 बज रहा, सुबह गए जगाने, आज पढ़ने के लिए भी नहीं गए और अभी जगे हैं। और दोस्तों इसमें पता नहीं इसका किस्मत में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं कोई काम करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे नहीं करेंगे। और बोलते हैं तो हम ही लोग को बोलते हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और क्या बताएंगे। इतना कल हम लोग को बेइज्जती कराए ना, इतना बेइज्जती कराए कि मत पूछिए। कल गए थे मेला, आप लोग देखिएगा आरती छुट्टू लब पे, और दुकान पे थे ना, आदमी कितना आदमी बोलते हैं कि ऐसा बच्चे को नहीं देते हैं खाने पीने के लिए। तो दोस्तों हमारे घर में ये है कि खाना पीना में कुछ जो भी खाना हो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। और जिनको विश्वास नहीं होता होगा ना, जो हमारे घर आए होंगे उनको पता होगा कि इनके घर में क्या होता नहीं होता, जो नहीं आए हैं तो उनको क्या पता है, दूर से तो कुछ भी सोच सकते हैं दोस्तों। और जो भी जितना भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब मेरे घर में कोई भी चीज का कमी होगा, खाना रसगुल्ला हो मिठाई हो कुछ भी हो कभी कमी नहीं रहता, और जब भी आता है तो यही खाते हैं, शिवा ही खाते हैं अधिकतर। अधिकतर इनका बोलते हैं जब आपका मन भर जाएगा ना तब हम लोग को दीजिएगा। और कितना आदमी बोलते हैं कि सब बच्चा को कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं। तो दोस्तों क्या बताएंगे, कल जो है ना ऐसे थे दुकान पे थे, और ये क्या बोल रहे थे बार बार कि नानी जी हमको रुपया दीजिए, हम नानी जी रुपया दीजिए हमको, जो कि दोस्तों इनको रुपया दे दिए, लिट्टी समोसा लेकर आए, रुपया दिए, 100 रुपया दिए, 75 रुपया का हुआ, 25 रुपया इनके पास बचा और ये नहीं खाए। फिर बार बार आए बोले कि नानी जी हमको रुपया दीजिए। तो वहाँ पे एक दीदी थी, यानी अंठिया लगेगी, तो बोले क्या क्या है बच्चा को जिला रख रहा है, दे दीजिए ना क्या होगा।
तो हम उनको बोले, आदमी यही ना सोचेंगे कि इनको नहीं देते हैं खाना, तो दोस्तों इनको रुपया क्यों नहीं देते हैं आप लोग को आज वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। और जो बोलते हैं कि नहीं देते हैं, जिनको शक होता होगा आज दूर कर लीजिएगा आप लोग, ये अधिकतर नशा में परख गया है आजकल। रुपया बचता है पुड़िया जाके खा लेता है, अधिकतर वीडियो में भी देखे होंगे, वीडियो बनाते भी नहीं है आजकल, बनाते भी नहीं है, इसीलिए इनके पास ना रुपया रहने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग का नाम फंसेगा ना, किसी का भी कोई जिंदगी सुधारने में लगता है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कोई भी बात, इसीलिए दोस्तों। और जाके रुपया तब जाके खाए वहां पे रसगुल्ला, फिर आए घर, तब घर पे खूब डांटे इनको, तो बोलते क्या है कि नहीं आप लोग डांटने लगते हैं इसलिए, डांटने लगते हैं इसलिए, जब भी कहीं जाते हैं तो 50 रुपया 100 रुपया बचा के रखता है।